पड़ोसी पर नाबालिग किशोरी को भगाने का लगा आरोप, पुलिस ने कर दिया खेला। रायबरेली से खास खबर, पड़ोसी पर लगा नाबालिग किशोरी को भगाने का आरोप, मामले में पुलिस ने कर दिया बड़ा खेल। थाने पर नामजद एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस ने खेला खेल। पुलिस ने तहरीर बदलकर परिजनों से लगवाया अंगूठा। पीड़िता के परिवार ने एसपी की चौखट पर पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। महाराजगंज के गोलाहा मजरा जिब्वा थाना महाराजगंज का मामला। रायबरेली से संवाददाता राहुल कुमार की खास खबर। नाम है आपका? तबस्सुम बानो। ये एसपी ऑफिस किस लिए आई है? सर मेरी बहन लापता है, इसकी वजह से आई। किस थाने का मामला है? महाराजगंज। पूरा मामला क्या है? मामला ये है, मेरी बहन 16 तारीख को 10 बजे घर से बाहर निकली थी और मेरे गांव का ही लड़का है, गाड़ी में बैठा के लेकर गया था और 3 बजे तक हम लोगों ने इंतज़ार किया कि आ जाएगी घर पे, उसके बाद नहीं आई। तो हम लोगों ने ढूंढना चालू किया, उसके बाद में फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने महाराजगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई उस लड़के के नाम से। तो हमारी रिपोर्ट को मतलब पहले तो ले लिया, उसके बाद में फिर चले गए हम लोग घर पे, बोले कि ठीक है ढूंढ के बताएंगे। उसके बाद में फिर रात में 9 बजे मेरे पास कॉल आया कि आप थाने में आइए, तो मैं नहीं गई वहाँ पे। उसके बाद में सुबह मॉर्निंग में फिर मेरे पापा और मम्मी कम से कम 60 और 70 के बीच में हैं दोनों लोग, इन लोग को कुछ भी नहीं पता है। तो एक वहाँ पर जाली कागज़ बना के कैसे भी करके इन्होंने मेरे पापा से अंगूठा लगवा लिया और मेरा जो लेटर था उसको हटा के दूसरा रख दिया, मतलब कि उसने बताया आज्ञात में दिखा दिया कि मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। और मेरी बहन जिस लड़के के साथ में गई थी वो लड़का भी वहाँ नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन कहीं पर भी हो मुझे मिलनी चाहिए, इसलिए मैं मेरी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ।